नमस्कार दोस्तों, मैं परवेज, आप हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक मशीन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा और ये हमारा ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्लाइंटों ने क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, उनके हिसाब से इन्होंने ये मशीन दी गई है। और मैं बता दूँ, आपको दिखाता हूँ कि FFM मशीन कैसे तैयार की जाती है, इनमें किन किन पार्ट्सों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ लगते हैं और कैसे ये बनाए जाते हैं। तो चलिए हम आपको अपने वर्कशॉप में दिखाते हैं, मिलते हैं वीडियो में। देखिए, ये हमारा वर्कशॉप है और यहाँ पे बहुत सारी मशीनें क्लाइंट्स की बन रही हैं। इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, किसी को हल्दी धनिया पैक करना, चीरे हैं जो आपको मैं बताऊँगा वीडियो में विस्तार से। स्टार्ट। ये सर बॉडी है मशीन की, ये अपना FFS मशीन की बॉडी है, ठीक है। इसमें हमारा जो पैकिंग, जैसे पैकिंग जिस चीज़ से करना है उस चीज़ का इसमें असेंबली होता है। तो आइए हम दिखाते हैं कि असेंबली, खास तौर पर ये बोला जाए ये ढांचा है, पार्ट्स असेंबल होंगे, ठीक है। और आपको ले चलते हैं, आप इस पर क्या क्या इसमें लगता है उसके बारे में जानकारी देते हैं। एक मिनट फिर से। ये हमारा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट आपका मशीन में लगता है जो कि पेपर के लंबाई को चलाता है। अच्छा, पूरी मशीन इससे डायग्राम चलती है। अच्छा अच्छा। ये उसके साथ ऐड होता है। अच्छा। ये भी उसके साथ ऐड होता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद ये अपना 004 है, ये अपना डिक्स जो माल चलने वाला होता है उसको इसके थ्रू ये चलाया जाता है। अच्छा। जो अपना सीलर लगता है वो इसमें लगता है, ये ब्रैकेट होते हैं उसके। अच्छा, ये सीलर, इसमें सीलर होता है जो पाउच पैक होती है ना, ये इसके सहायता से होती है उसमें, ये दोनों सीलर। अच्छा, ये मेल फीमेल ब्रैकेट बोलते हैं इसको ना। हाँ। और उसके बाद अब आइए, ये अपना गियर है। अच्छा, ये गियर भी लगता है। अच्छा, ये सारी गियर है ये मशीने में लगती है। देखिए हमारे यूट्यूब यूबर्स देखें, ये मशीन के गियर्स है, गियर है ये जो कि पैकिंग मशीन की सहायता से ये पैक करती है। हाँ, अपना ये गियर है, ये सापट, ये सारे स्पेयर पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये सापट जो है, कॉल करना है। हाँ। ये सापट जो है आपका, ये आपका जो डाई रोलर जो पेपर को खींचती है किनारे वाला, वो इसमें लग, ये इसमें चलता है, इसका सापट इसलिए लगता है। यानी हमारे पास पैकिंग की हर आइटम, आप कुछ भी बोलेंगे मैं आपको हर चीज दे दूंगा पैकिंग। आप ऑल इंडिया कहीं से भी कॉल करें, हम आपको आपके घर तक ये सारा सामान पहुंचा देंगे बाय कोरियर। बस आपको अपने स्पेयर पार्ट्स का नाम, कितनी क्वांटिटी, ठीक है, आप इमेज भेज देंगे तो हम बस कोरियर में डाल देंगे, आपके ये सामान आपसे आसानी तक पहुंच जाएगा, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए आपको दिखाते हैं मशीन कैसे तैयार थी, इन पार्ट्सों के द्वारा इन मशीनों में क्या क्या लगाया। देखिए ये जो है मशीन है, तैयार हो गया। देखिए ये मशीन तैयार हो रही थी, देखिए ये हमारा मशीन अब तैयार हो गया। इसमें देखिए ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, जितना सामान दिखा रहा है ना वो सारा असेंबल सामान लगा है, वो लगा हुआ है। अगर आपको गियर बॉक्स चाहिए, मान लीजिए कभी होता है गियर बॉक्स खराब हो गया, तो गियर बॉक्स हमारे पास अवेलेबल होता है। अब गियर इसमें जो है दो तरह के लगते हैं, एक तो एक 30 का होता है और एक होता है एक 15 का। तो जो एक 15 का होता है वो स्पीड उसमें ज़्यादा होता है और एक 30 में स्पीड कम होता है। अच्छा जी। तो दो तरह के गियर बॉक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अच्छा। हमारे मशीन में एक 30 का लगता है जो कि अपना FFS मशीन के लिए एक 30 का, ये प्रॉपर ये FFS मशीन के लिए और है। ये देखिए हमारा गियर है, ये मतलब ये पाउच के सामान जो लगी हुई है ये सब हमारा अवेलेबल जो मैंने अभी दिखाया ये था, आप इस मशीन की सहायता से आप 10 ग्राम से लेकर 2 ग्राम से लेकर 1.5 किलो 1 किलो तक आराम से सहायता से पैक कर सकते हैं। ये हमारा सेंसर है, अगर मान लीजिए सेंसर खराब हुआ तो ये PNP NO सेंसर है। देखिए ये NP NO सेंसर है, ठीक है, प्रोस्मेटिक। ये आपको आप भेज देंगे तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। और इधर आइए, ये हमारा पैनल है, अगर मान लीजिए आपका पैनल खराब होता है तो ये पैनल मिल जाएगा आपको। ये डिजिटल पैनल है, अगर नंबर वाला सिस्टम चाहिए नंबर वाला ये पैनल है, ये भी मिल जाएगा आपको। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपका, अगर ये है टेम्परेचर कंट्रोलर, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये अगर आपका ख़राब होता है ये भी मिल जाएगा, ये मल्टी स्पेन का है। यानी आपको इस पैकिंग मशीन से रिलेटेड जितनी भी समस्या का समाधान है, आपको सर्विस करवाना हो, मशीन के स्पेयर पार्ट्स बदलवाना हो या चाहिए सूट चाहिए कुछ भी, आपको हर चीज़
आसानी से मिल जाएगी। बस आप इस नंबर पर कॉल करना है आपको और जो रिक्वायरमेंट है आपको बता देना है। ये हमारा सूट है, देखिए ये हमारा सूट है, सूट चाहिए सूट मिल जाएगा। सिर्फ आप बता देंगे कितने का सूट चाहिए। ये थ्री साइड सूट है, तो ये थ्री साइड सूट है, ये अपना चलता है जैसे गुटका हुआ, ये हुआ, जैसे चपाती वगैरह में उसमें सेंटर सील चलता है। सेंटर सील में यहाँ से दो तारे लगी हुई होती है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इन चीज़ों को कैसे हम प्रॉपर ढंग से लगाते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद।